हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज द फाइनल गर्ल मूवी की। गाइस, इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाक से मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मैक्स नाम की एक लड़की से होती है, जो की अपनी गाड़ी में बैठकर अपने फोन में गैम्बलर बात नाम की एक मूवी देख रही थी, जिसमें उसकी मॉम अमांडा ने 1986 में स्लैशर मूवी में एक्ट किया था। यानी कि दोस्तों, मैक्स की मॉम अमांडा 90s की मशहूर एक्ट्रेस थी। जहां वो आती है और कार में आकर बैठ जाती है, दोनों गाना गाते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे कि तभी उनका ध्यान हटता है और उनका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें अमांडा की डेथ हो जाती है। सीन यहां से शिफ्ट होता है और 3 साल बाद दिखाया जाता है, जहां मैक्स अपने दोस्त ग्रेटी और क्रिस के साथ में एक कैफे में बैठी हुई थी, जहां ग्रेटी का ब्रदर डंकर उनके पास एक पैम्पलेट लेकर आता है और बताता है कि आज रात को 90s की ब्लॉकबस्टर स्लैशर मूवी ब्लडबाथ के दोनों पार्ट थिएटर में वापस फीचर होने वाले हैं, जिन्हें ये लोग देखने के लिए जाएंगे। गाइस, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये वही मूवी थी जिसमें अमांडा यानी कि मैक्स की मॉम ने एक्ट किया था। सब लोग जाने के लिए मान जाते हैं, बट मैक्स काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, वो जाने के लिए मना कर देती है और वो वहाँ से उठकर जाने लग जाती है। लेकिन तभी उसके दोस्त उसे अपनी मॉम की याद दिलाकर जैसे तैसे करके जाने के लिए मना लेते हैं। और अब शाम को थिएटर में मैक्स, क्रेजी क्रिस, डंकन और मैक्स की पुरानी दोस्त विकी भी उनके साथ में जाती है। मूवी स्टार्ट होती है और पूरा थिएटर भरा हुआ था, सब मूवी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन गाइस, तभी एक बंदे के हाथ से शराब की बोतल गिर जाती है और एक पर्दे से टकराती है, जिससे कि पूरे फ्लोर पे शराब फैल जाती है। जहां पास बैठे एक बंदे की सिगरेट भी गिरती है एंड गाइस, एक छोटी सी चिंगारी से बहुत बड़ी आग लग जाती है। पूरे थिएटर में आग ही आग थी, सब पैनिक हो जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं कि तभी मैक्स को एक बड़ा सा नाइफ मिलता है और वो डिस्प्ले स्क्रीन के पर्दे को फाड़कर अपने दोस्तों के साथ बाहर आती है, जहाँ सब बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो पांचों लोग अपने को एक जंगल में पाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। जिसके कुछ देर बाद येलो कलर की एक वैन वहाँ पे आती है, जिसमे गाइस वही कैरेक्टर थे जो इस ब्लड बाथ मूवी में थे, जो सबको बहुत अजीब लगता है और वो उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जो कि उन्हें लिफ्ट ऑफर कर रहे थे। लेकिन वो सब इतना ज्यादा डरे हुए थे कि जाने से मना कर देते हैं। एंड गाइस, वो लोग 92 मिनट के बाद फिर से वहाँ पे आते हैं और सेम सीन फिर से रिपीट होता है। वो लोग फिर से उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं और ऐसा लगभग 3 बार होता है, जहाँ ये लोग समझ आते हैं कि ये सब असल में 92 मिनट की मूवी ब्लड बाथ के अंदर एक टाइम लूप में फंस गए हैं, क्योंकि गाइस ये मूवी भी 92 मिनट की थी। और फाइनली इस बार ये लोग उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, यानी उनसे लिफ्ट ले लेते हैं। लेकिन तभी पीछे की सीट से मैक्स की मॉम अमांडा, जो कि रियल लाइफ में मर चुकी है, वो बाहर आती है और उसे देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन जिस 1986 की मूवी में ये लोग फंसे हुए थे, उसमें वो जिंदा है, जहां टीना और उसका बॉयफ्रेंड कार्ट मैक्स और उसके दोस्तों को खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो वो लोग अब कैम्बलू की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ जाकर मूवी के अकॉर्डिंग इन लोग को पार्टी करनी थी और वो उनका पार्टी एरिया था, जहाँ टीना और कार्ट मैक्स के साथ उसकी दोस्तों को भी पार्टी में इनवाइट करते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि मूवी में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि गाइस ये लोग तो ऑलरेडी मूवी कई बार देख चुके थे। और इस मूवी की स्टोरी में एक बिली नाम का सीरियल किलर होता है, जो कि उन सभी जगह जाकर लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारता है जहाँ पार्टी हो रही होती है या फिर लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो लोग वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं, जहाँ एक कपल किस कर रहा था, बट तभी क्रीपी मास्क पहने हुए एक आदमी वहाँ पे आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बिली ही था, और उस कपल को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देता है। मैक्स और उसके दोस्त छुपकर वहाँ पे उसे देख रहे थे, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन डंकन को लगता है कि ये सब तो मूवी में फंसे हुए हैं, जिसकी स्टोरी फिक्स है और वो बिली उनको नहीं मारेगा, तो इसलिए वो उसके पास जाकर सेल्फी लेने लगता है। लेकिन गाइस, तभी बिली उस पर बड़ा सा नाइफ फेंक कर हमला करके उसे भी घायल कर देता है। वो सब लोग डर कर वहाँ से भागते हुए पार्टी वाले प्लेस पे वापस पहुँच जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस मूवी में किसी भी कैरेक्टर को इंटीमेट होने नहीं देंगे, क्योंकि इस मूवी के प्लॉट के अकॉर्डिंग जो भी इंटीमेट होगा वो मारा जाएगा। जहाँ ये लोग उन्हें रोकने के लिए प्लान बनाते हैं और मैक्स, क्रिस और बाकी सब मूवी के हर एक कैरेक्टर के पास अलग अलग जाकर रहते हैं, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो और
उन्हें प्राइवेट टाइम ना मिले। तभी वहाँ पे पॉला नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि इस ब्लड बाथ मूवी की इकलौती सर्वाइवल थी और वही है जो कि एंड में बिली को मार कर बच जाएगी। जहाँ उसके पास अब इकट्ठा होकर बिली के बारे में बात कर रही होती है कि तभी मैक्स और उसके दोस्त ब्लड बाथ मूवी के बैक स्टोरी में फ्लैश बैक में जाते हैं, जहाँ ये लोग ब्लैक और व्हाइट सीन में बिली का पास देख रहे होते हैं कि उसके साथ कितना बुरा हुआ था। जहाँ कुछ बच्चे मिलकर बिली को सता रहे थे और वो बचने के लिए एक छोटे से लकड़ी के रूम में जाता है, लेकिन वो लड़के पटाखे जलाकर अंदर फेंक देते हैं, जिससे कि बिली काफी बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका फेस पूरी तरह से खराब हो चुका था। और उसके बाद वो अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मास्क बनाता है और बाद में बदला लेते हुए बड़े से चाकू से सारे लड़कों को मार देता है। एंड गाइस, जब इस फ्लैश बैक में वो सबको मार रहा था तो कुछ खून ग्रेटी के फेस पे पड़ जाता है और फ्लैश बैक के एंड होते ही जब वो सब ग्रेटी का खून से भरा हुआ फेस देखते हैं तो बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं और बाहर भागने लग जाते हैं। जहां वो कार से भाग ही रहे होते हैं कि तभी डंकन से टकराते हैं, वो मर जाता है और साथ ही डिसबैलेंस होने के कारण कार एक पिलर से जाके टकराती है और कार बाहर निकलकर गिरता है और पूरी तरह से मारा जाता है। और कार ब्लास्ट होने के कारण पॉला, जो कि इस मूवी की एक लौती सर्वाइवल थी, वो भी मर जाती है। मतलब कि गाइस, मूवी का प्लॉट पूरी तरह से उल्टा हो गया था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। तो अब ये सब देखते हुए मैक्स अमांडा चीना और ब्लैक को पूरी सच्चाई बताती है कि ये लोग 2015 से आए हैं, जो कि इस मूवी में पूरी तरह से फंस गए हैं। और क्रिस प्लान बनाता है कि रात को ये लोग बिली को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाएंगे, जिसमें सारे कैरेक्टर भी उनका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। वो प्लान करते हैं कि पार्टी करेंगे जिससे कि बिली आएगा और ट्रैप में फंस कर मारा जाएगा, क्योंकि जैसे ही बिली मरेगा ये सब लोग इस मूवी के बाहर निकल पाएंगे। वो सब तैयारी करने लग जाते हैं। जहाँ शाम को मैक्स अपनी मॉम से कहती है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो उसे भी इस मूवी के बाहर निकाल कर रियल दुनिया में ले आएगी, ताकि वो अपनी मॉम को वापस ला सके, उनके साथ में रह सके। जबकि 1986 की इस मूवी के टाइम पर अमांडा सिंगल थी, उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। और पार्टी स्टार्ट होती है और टीना डांस करने लग जाती है, जहाँ उनका प्लान काम करता है और बिली पार्टी देखकर वहाँ पे आने लग जाता है। टीना इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से भागते हुए उन्हीं के बिछाए ट्रैप में फंस कर बहुत ही बुरी तरह मारी जाती है। और जैसे ही बिली अंदर एंटर होता है, क्रिस डोर क्लोज कर देता है और ऊपर से ये लोग रस्सी काटते हैं जिसमें की एक बड़ी सी लकड़ी लगी हुई थी, जो कि बिली को डोर की तरफ फेंकती है, जहाँ पर इन लोगों ने पहले ही जानवरों के सींग लगाए हुए थे। और वो उसके पेट में बहुत ही बुरी तरह से घुस जाते हैं। उन लोग को लगता है कि बिली मर गया है और जब ब्लैक उसे चेक करने के लिए जाता है तो अचानक से वो चाकू से उसे मार देता है और फिर मैक्स और क्रिस उसके चेस्ट पर जलते हुए तीर मारते हैं और ऊपर की तरफ भागते हैं, जहाँ विकी और ग्रिडी पेट्रोल की बकेट के साथ में थे। लेकिन गाइस, बकेट अटक जाती है और प्लान फेल हो जाता है, जहाँ बिली उन दोनों लड़कियों को गिरा देता है और वो उन्हें मारने ही वाला था। लेकिन विकी तभी बहुत ही चालाकी के साथ उस गिरे हुए पेट्रोल में आग लगा देती है, जिससे खतरनाक ब्लास्ट होता है और दोनों लड़कियां मारी जाती हैं। लेकिन वहां पे बिली फिर से बच जाता है और क्रिस, मैक्स और अमांडा को मारने के लिए जाता है। वो सब लोग भागकर जंगल की तरफ जाते हैं, बट वो क्रिस को जख्मी करके अमांडा को उठाकर ले जाता है, जहां मैक्स क्रिस को चर्च में ले जाकर सेफली छोड़ देती है और वो भागते हुए अपनी मॉम को बचाने के लिए जाती है, जहां पर एक घर में बिली ने अमांडा को बांध कर रखा हुआ था। जहां मैक्स जैसे तैसे करके अपनी मॉम को फ्री तो कर देती है, लेकिन तभी बिली वहां पे पहुंच जाता है और वो अमांडा को मारते हुए उसके पैर को जख्मी कर देता है। लेकिन वो मैक्स को बचाते हुए वहां से बाहर निकल जाती है और ये कहती है कि मूवी के प्लॉट के अकॉर्डिंग एंड में सिर्फ वही लड़की बचेगी जो कि प्योर होगी और बाकी सबको मरना होगा। एंड गाइस, यहां पे अमांडा और मैक्स दोनों ही प्योर थे, लेकिन मैक्स को बचाने के लिए अमांडा खुद की कुर्बानी दे देती है और क्रिस भी चर्च में ज्यादा खून बहने से दम तोड़ देता है और मर जाता है। जहां सबके मरने के बाद मैक्स, जो कि अब अकेली सर्वाइवल बची थी, वो अपने बड़े से हथियार से बिली का सर काट देती है और उसे जान से मार देती है, जिसके बाद क्रिस और बाकी की दोस्त भी जिंदा हो जाते हैं। एंड गाइस, जब सबकी आंख खुलती है तो वो लोग अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं और ये सब इनका कोई सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी। सबको याद था कि उनके साथ में क्या क्या हुआ है और उनकी बॉडी के घाव भी अभी भरे नहीं थे। सो गाइस, यहीं पे इस मूवी का दी एंड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए उसके लिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।